प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मैं इंसुलेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर की, संख्यांकी आपके 10 नंबर की, हम आपको यूनिट बाय यूनिट सिलेबस करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें, समझते रहें। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। आप आराम से घर बैठे बैठे वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन आपका क्या है देखिए। ज़रा आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। प्रत्यांग आपके हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, संख्या आपकी 2, 1, 0। अब आप देखिए अपने आंसर वाली टेबल में, आपकी क्या दे रखी है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एफ का मान भी आपको दे रखा है 2, 1, 0। ये आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। एक्स कहाँ से निकल के आएगा, जब आप 10 और 20 को जोड़ेंगे आधा करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। इसी तरीके से 20 30 को जोड़ेंगे आधा करेंगे 25 मिलेगा। 30 40 को जोड़ेंगे आधा करेंगे तो आपको 35 मिलेगा। एफ एक्स की गुणा करेंगे तो आपको 30 25 0 मिलेगा। यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, एफ का मान जब आप जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। ये किसके बराबर होगा, सिग्मा एफ के। इसी तरीके से जो आपके 3 मान जो गुणा वाले निकल के आए हैं, जो आपके गुणा वाले 3 मान निकल के आए हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 55 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, आपका सिग्मा एफ एक्स के बराबर होगा। सिग्मा का मतलब यहाँ पर जोड़ या योग से है। देखिए सूत्र या फार्मूला, समांतर माध्य बराबर किसके होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। जरा ध्यान दें, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, 55। सिग्मा एफ का मान क्या है, 3। जब आप इसको काटेंगे तो, काटना या भाग करना एक ही बात होती है, जब आप इसको भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 18.33। यही आपका आंसर है, सलूशन है। आप वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।